जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंगला डैम में, जहाँ पानी उतरने के बाद मंगला डैम की तामीर के वक्त कुर्बानियाँ देने वाले उन लोगों की कबूर मौजूद हैं, उनका कब्रिस्तान मौजूद है, जो पानी की कमी होने के बायस वो डैम के ऊपर ज़मीन पर आ चुकी हैं। तो कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि उन कब्रों की क्या हालत ज़ाहर है कि जिन लोगों ने मंगला डैम की तामीर के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली और रोशन मुस्तकबिल के लिए अपनी कुर्बानियाँ दीं। आज मंगला डैम को तामीर हुए साला साल बीत चुके हैं, लेकिन हर साल जब मंगला डैम का पानी कम होता है तो ये ज़मीन की सतह पे कब्रिस्तान सामने आ जाता है और मीरपुर नए शहर के लोग और बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरी मीरपुर के तारकीन वतन यहाँ आकर अपने आबाओ अजदाद की कब्रों पर फातिहा खवानी करते हैं और उनकी हालत दुरुस्त करने में जो है वो अपना किरदार अदा करके अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआए मगफरत मांगते हैं। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि मंगला डैम की सतह आब कम होने से अहले मीरपुर शहर जो पानी की नज़र हो गया, वो कबूर और कब्रिस्तान सतह ज़मीन पर आ जाते हैं और उनके अजीज़ो कारब जिनके बुज़ुर्गों की ये कबूर हैं वो आकर यहाँ फातिहा खानी करते हैं और कब्रों की बेहतरी के लिए जो इकदाम उठाते हैं और उनको सफ़ेदी और रंग रोगन करते हैं और दुआए मगफरत मांगते हैं। और ये एक अलमिया है कि आज मुतासरीन मंगला डैम मीरपुर अपनी अजीज़ो कारब अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ जो है उनको याद करते हैं और आज भी वो बेशुमार मसाइल का शिकार हैं। और इसके साथ ही कैमरामैन साथ जफर मुगल को इजाजत दीजिए, फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।